नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना देशभक्ति का दिया संदेश। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर डाला प्रकाश। हिंदू सेवा दल के तत्वाधान में बजरंगगढ़ सर्किल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती शहरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। हिंदू सेवा दल के अध्यक्ष आर के महावर ने बताया कि इस अवसर पर एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति विभिन्न गायकों ने दी। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डाला। श्रोताओं ने भारत माता की जय के नारों से गुंजायमय कर दिया। कार्यक्रम में कीर्ति मिश्रा, सुभाष चंद्रना हेमंत, राजेंद्र गांधी, मुकेश मिश्रा, एस एन शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे। हिंदू सेवा दल द्वारा आज बजरंगगढ़ चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में आज देशभक्ति गीत गाए और बड़े बड़े देशभक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया, उत्साह बढ़ाया उनका, और आमजन से अपेक्षा की गई कि वो देश के लिए अच्छे कार्य करें और देश के विकास के लिए और देश के उत्थान के लिए कार्य करते रहें। ये हमारी आज की इसकी प्रेरणा है, ताकि सुभाष चंद्र बोस जैसे देश भक्तों ने जो योगदान देश के लिए कुर्बानी दी है, उनका एक नौजवानों में संदेश जाए कि आज हम देश के लिए भी कुछ करें। ये हमारी कामना है, ये देश का विकास करता रहे। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र कुमार गांधी, लंच कल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हमें धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि हिंदू सेवा दल सदैव महापुरुषों की जयंती और महापुरुषों में के बताए मार्ग में चलने का एक उद्देश्य रहता है, क्योंकि इन महापुरुषों ने इस देश को बहुत कुछ देखे गए। हम जैसे लोग अगर इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्या हम अपने समाज को जगाने के लिए इस पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक का फर्ज होता है कि देश के लिए कुछ करें। कम से कम हर इंसान को एक घंटे रोज अपने देश के लिए काम करना चाहिए। हिंदू सेवा दल का यही उद्देश्य है। आज हिंदू सेवा दल का 71वां स्थापना दिवस है, वो भी हम धूमधाम से मना रहे हैं। आज यही कोशिश है कि हर भारतीय जागे, क्योंकि हिंदुस्तान आज सब लोग दुश्मनों से घिरा जा रहा है। क्या हमें ये देखना चाहिए बॉर्डर पर अगर दुश्मन लड़ेंगे तो क्या मेरी फिलहाल का इंतजार करें, शहर में नहीं हो तो फिर इसका नहीं। ये हमारे भी कर्तव्य बनता, हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने देश के युवाओं को जगा सकें और देश के लिए हर एक घर से हर युवा को अपने देश की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। आज कौन है मुख्य गायक आपके? हम एक पार्टी द्वारा देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि सभी का इसमें योगदान है और सभी के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपका नाम? आर्य भावर। तो कल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टीवी बन जाएगा डब्बा। केबल ऑपरेटर्स ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के ट्राई कानून का किया विरोध। तो कल शाम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आपका टीवी डब्बा बन जाएगा। आज एक बार फिर केंद्र सरकार के ट्राई कानून का विरोध करने के लिए केबल ऑपरेटर्स एकत्रित हुए और कलेक्ट्री पर जमकर प्रदर्शन करके कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि कल प्रशासन भी बंद रहेगा। आपको बता दें, ट्राई द्वारा प्रत्येक चैनल का पैसा लिया जाएगा, जो कि कस्टमर को सस्ता पड़ेगा, ऐसा एड का कहना है। लेकिन ऑपरेटर्स का कहना है कि बल्कि अभी और ज्यादा महंगा हो जाएगा, ऑपरेटर्स की रोजी रोटी भी इससे छिन जाएगी। ऑपरेटर भाइयों की तरफ से ये निवेदन है, राजस्थान पूरे भारत के केबल ऑपरेटर की तरफ से निवेदन है, जो साधारण सा मनोरंजन हम लोग गरीब आदमी और अमीर आदमी को एक रेट में परोसते थे, आज की तारीख में गरीब आदमी इतना महंगा हो जाएगा कि गरीब आदमी इस चैनल को नहीं देखेगा। जो एक ऐड आता था ना, डब्बा है टीवी डब्बा, वो डब्बा बन जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से हम लोगों ने पूरे राजस्थान और इसके अलावा 11 स्टेटों ने 24 तारीख को भारत बंद और प्रसारण बंद करने का वो किया है, निर्णय किया है। अभी यहाँ कल हम अभी कलेक्टर साहब के पास आए, हमें भी ज्ञापन देंगे। कल सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हम लोग पूर्ण प्रसारण बंद रखेंगे। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह चौहान। हम कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमने केंद्र सरकार ने जो ट्राई का कानून लागू किया है, जो काला कानून है एक तरह से देखा जाए, तो कस्टमर को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपका केबल सस्ता हो जाएगा, केबल महंगा हो जाएगा, दुगनी तिगनी कीमत पे चला जाएगा। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों जो साजिश की है, इनको आपस में मिलाया है, जिससे हम इन लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश की है। जनता को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें भी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये जो है नियम सही है। और रात रात को पे चैनल वालों को या ये जो मीडिया वाले उनको धमकी देते हैं कि यदि आपने ये कानून लागू नहीं किया तो आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। ये लोकतंत्र है, इसमें किसी की दादागिरी नहीं चलती, पर यहाँ हमेशा दादागिरी हो रही है। ये भारत सरकार की दादागिरी है, जिसके विरोध में हम आ जाए में और अपनी मांग अभी तक शांतिपूर्ण रख रहे हैं, फिर बाद में हमें आंदोलन के रूप में जाना होगा और कुछ भी हो सकता है। इसके लिए अपने धंधे के लिए आदमी बहुत कुछ कर सकता है। मेरा नाम सोनलाल शर्मा है और मैं राजस्थान केबल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ।
अजमेर ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट बाइक पर करी कार्रवाई, मॉडिफाइड साइलेंसर को हटवाया। अब से ध्वनि प्रदूषण करने वाले साइलेंसर नहीं लगेंगे बाइक में। पुलिस कप्तान के निर्देश अनुसार आज अजमेर ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट बाइक पर कार्रवाई करते हुए 10 गाड़ियों को पकड़ा है जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं। ये साइलेंसर इतना तेज शोर करते हैं कि हर कोई डर जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। मॉडिफाइड साइलेंसर अब से गाड़ियों में नहीं लगाए जाएंगे और जो भी कारीगर ऐसा करेगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हमने यातायात विभाग द्वारा श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार जो गाड़ियों के अंदर साइलेंसर मूल रूप साइलेंसर चेंज करके और साइलेंसर इस तरह से लगाया जाता है जिससे बड़ी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है और आम व्यक्ति बच्चा या वृद्ध है इस आवाज़ को सुन के एक बार मतलब दहशत में आ जाता है, जिससे कई बार एक्सीडेंट की भी खतरा एक्सीडेंट का भी बना रहता है। और इसी चीज़ को देखते हुए आज हमने जो साइलेंसर के द्वारा बहुत तीव्र गति से और तेज़ आवाज़ वाली जो ध्वनि की जा रही थी उन बुलेट्स के खिलाफ आज कार्रवाई कर रहे हैं और अभी इसी के तहत 10 गाड़ियां हम लेकर आए हैं जिनके ध्वनि विस्तार के अंतर जो साइलेंसर है उनको हटवाया जा रहा है और मूल रूप को लगवाया जा रहा है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, जो ध्वनि विस्तार के जो साइलेंसर जो मॉडिफाइड साइलेंसर जो बहुत तेज़ आवाज़ वाले लगाए जा रहे हैं जो वर्कशॉप्स हैं उनको भी हम मतलब निर्देश भी है और संबंधित थाने को भी लिखेंगे कि उनको जब्त करके कार्रवाई की जाए ताकि और जो व्हीकल्स हैं उनमें आगे नहीं लगाए जा सके। कार्रवाई बिल्कुल जारी रहेगी सर। अजमेर में 7 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या, जहरीला दाना खिलाने से हुई मौत, एक महिला को किया गिरफ्तार। लोहागल की एक महिला ने क्षेत्र में कई राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या कर दी। अभी तक आंकड़ा 7 सामने आया है। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन 7 मोरों को लेकर विभाग लाया गया। अब मृत मोरों की मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा जहां से पूरी जानकारी सामने आएगी। महिला को हिरासत में ले लिया गया, मामला भी दर्ज करवा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक महिला इन्हें दाना देकर मारती थी। शाम को हमारे पास सूचना आई थी ग्रामीणों द्वारा कि कोई लेडीज है जो मोरों का शिकार कर रही है। मौके पे हम फॉरेस्ट वाले और पुलिस वाले वहाँ पे गए थे। लेडीज़ को गांव वालों ने पहले पकड़ रखा था, इसको हम अरेस्ट करके लेके आ गए, पूछताछ के लिए लेके आए और 7 मृत मोरों को यहाँ लेके आ गए। बोर्ड द्वारा भी पोस्टमार्टम हो गया उनका। वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कोई इनको दाना खिलाया है, कोई पत्थर से मारा है, कोई जाल में फंसा के मारा है, डंडे से मारा है, जो भी ये राष्ट्र पक्षी है। सर, ये महिला कहाँ की रहने वाली थी? ये महिला लोहागल की है, बागजा समाज की है। क्या उसके साथ में और भी कोई थे क्या? वो तो एक बच्चा था, दूर था वो। मुलजिम तो यही है, पकड़ लिया। हाँ, महिला को पकड़ लिया, FIR काट दी हमने, अभी कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट का फैसला होगा। नाम करण सिंह का। स्वाभिमान ग्रुप ने सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि, फूलमाला चढ़ाकर किया याद, बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। आज स्वर्गीय वीर कुमार की पुण्यतिथि पर नेता सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती है, इसलिए इस मौके पर स्वाभिमान ग्रुप आज सुभाष उद्यान पहुंचा और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें याद करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। स्वाभिमान ग्रुप ने कहा कि हम सब बोस के बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हैं। वे ऐसी कामना करते हैं कि देश से जल्दी जातिवाद खत्म और राष्ट्रवाद बढ़े। स्वाभिमान ग्रुप पिछले 4 वर्ष से वीर कुमार जी की जयंती मना रहा है, तो उसके उसी कड़ी में सुभाष चंद्र बोस की भी आज जयंती होती है। वीर कुमार जी की पुण्यतिथि, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की भी आज पुण्यतिथि होती है। तो आज ये तीनों महानुभावों का, भारत माँ के सपूतों का आज एक बेहतर श्रद्धांजलि देने का दिवस है। स्वाभिमान ग्रुप ने आज अजमेर के सब पूर्व सैनिक साथी मित्रों के साथ, अपनी टीम के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है, उनको माल्यार्पण किया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलने की आज हमने प्रतिज्ञा की है। हम चाहते हैं कि भारत किसी भी जाति और धर्म के चश्मे से विभाजित ना हो, उसके नज़रिए से विभाजित ना हो, क्योंकि तिरंगा एक है और हम सब तिरंगे के नीचे हैं। तिरंगा हमारा सबसे ऊपर है और ऊपर रहना चाहिए। जातिवाद को छोड़ के सबको राजनीतिक भावना दूर रखते हुए सिर्फ राष्ट्रवाद को अपने दिल में बसाना चाहिए और भारत माता की जय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपका नाम? मैं विनोद चौहान, स्वाभिमान ग्रुप। आज जो है हम स्वाभिमान ग्रुप के साथ मिलकर पूर्व सैनिक और सैनिक प्रकोष्ठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के ऊपर हमने नेताजी को याद किया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी।
क्योंकि नेताजी ही एक ऐसे हमारे देश के लीडर थे, नेता थे, जो कि हमारी स्वतंत्रता के अंदर मुख्य कलाकार हम कह सकते हैं उनको, के मुख्य भूमिका उन्हीं की थी, जो जोशीले दल के नेता थे, और उनकी जीवन शैली को हम आज याद करते हुए प्रेरणा लेते हैं और उनसे सबक सीखते हैं कि हमें भी नेताजी की तरह राष्ट्रभक्त, देशभक्त और देश प्रेमी होना चाहिए। हम पूर्व सैनिक और स्वाभिमान ग्रुप नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए आज हम उनको याद करते हैं, साथ में ये भी संदेश देते हैं कि उनकी जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के प्रति हमारी भावना देश प्रेम की होनी चाहिए। ब्यावर में भी केबल ऑपरेटर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के ट्राई कानून को बताया काला कानून। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के निर्देश अनुसार 1 फरवरी से प्रस्तावित टैरिफ ऑर्डर को लेकर उपखंड के सभी केबल ऑपरेटर्स ने विरोध दर्ज कराते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राहत देने की मांग की। टैरिफ ऑर्डर से आमजन पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर उपखंड के समस्त केबल ऑपरेटर्स ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। स्थानीय MCO गोविंद शर्मा के नेतृत्व में केबल ऑपरेटर्स उपखंड कार्यालय पहुंचे। उपखंड अधिकारी सुरेश चौधरी को सौंपे ज्ञापन में टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ 24 जनवरी को केबल टीवी प्रसारण ब्लैक आउट करने की जानकारी दी गई। केबल ऑपरेटर्स ने बताया कि टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के निर्देश अनुसार 1 फरवरी से जो टैरिफ ऑर्डर लागू किए जा रहे हैं, इस आदेश से देश भर में करीब 2,50,000 केबल ऑपरेटर्स बेरोजगार हो जाएंगे और उनसे जुड़े 12,50,000 परिवारों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। साथ अन्याय है, जो केबल उपभोक्ता 200 से 250 रुपए में सारे चैनल देख रहा है, उन्हीं चैनलों का केबल उपभोक्ता को 600 से 800 रुपए देना पड़ेगा। हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही हमारी मांग ये है कि जो GST 18% लिया जा रहा है केबल के ऊपर, जबकि वो भी मनोरंजन ही है, तो उस पर 18% की जगह 5% किया जाए, हमारी यही डिमांड है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब के नाम पे केबल ऑपरेटर पे जो 1 फरवरी से जो रेटें लागू की जा रही है वो आम उपभोक्ता के लिए बहुत अत्यधिक है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही 24 जनवरी को ब्लैकआउट रहेगा सुबह 8 बजे से रात्रि को 8 बजे तक, जिसका हम समर्थन करते हैं। और केवल ये ब्यावर में नहीं, पूरे देश के 7 राज्यों में ये ब्लैकआउट रहेगा, जिसमें हम साथ हैं। सरकार से हमारी मांग है कि जल्दी हमारी जो मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए और हमारी GST की जो दर है 18% जो अभी ली जा रही है उसको 5% किया जाए। स्वर्गीय वीर कुमार की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाजपा मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद, बताए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प। अजमेर नगर परिषद के पूर्व सभापति स्वर्गीय वीर कुमार की आज पुण्यतिथि है। वीर कुमार ऐसे नेता थे जिन्हें बच्चे से लेकर बूढ़ा तक याद करता है। आज ऐसी शख्सियत की पुण्यतिथि पर सभी भाजपाइयों ने उनकी तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अजमेर मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता तुलसी सोनी सहित अन्य जन उपस्थित हुए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वीर कुमार जी की आज पुण्यतिथि है, हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने स्थानीय सरकार किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से जनप्रतिनिधि को जनता के दिलों पर राज करना चाहिए, ये उन्होंने चीज़ को सिखाई है। और निश्चित रूप से अजमेर के विकास के मुद्दे पर वो कई बार उठाने के इसका काम किया है। निश्चित रूप से आज उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए यही संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने रास्ता बताया उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे और अजमेर शहर को और स्वच्छ, सुंदर और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। 19वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष पर आज हम सच्चे मन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, उनके भाई होने के कारण, उनके मित्र मंडल की तरफ से, अजमेर शहर की तरफ से, अजमेर के बुज़ुर्गों, युवाओं और महिलाओं सबकी तरफ से, बच्चों की तरफ से मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि वो हर दिल पे राज करने वाले शख्सियत थे। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबके साथ उसी प्रकार से ढल जाया करते थे और उनमें एक क्षमता थी कार्य करने की और करवाने की, और जिस तरह से उन्होंने इस शहर के विकास के लिए कार्य किए और जो विकास के कार्य अधूरे रह गए थे उनके बाद जो भी उनके साथ जुड़ते चले गए उन्होंने उन कार्य को पूरा किया और उनके पथ पर चलने का प्रयास किया। और आज जो शहर स्मार्ट सिटी या स्वच्छता के नाम पर जाना जाता है, शुरुआती बीज उनका लगाया हुआ था और आज वो बीज फूट रहा है और निश्चित तौर पर अजमेर उस गति से बढ़ रहा है जिस गति से वो चाहते थे। आज के दिन पुनः एक बार उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा।
MDS यूनिवर्सिटी में निःशुल्क काढ़ा वितरित, बड़ी संख्या में छात्रों ने उठाया इस काढ़े का लाभ। MDS यूनिवर्सिटी में आज निःशुल्क काढ़ा वितरित किया गया। इस काढ़े को आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 70 जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। स्वाइन फ्लू बीमारी से बचाव के लिए इस काढ़े का आज निःशुल्क वितरण किया गया है, जिसे पीने के लिए बड़ी संख्या में छात्र आए। जी, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे आदरणीय वैद्य जी श्री चंद्रकांत जी चतुर्वेदी साहब ने जो आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण यूनिवर्सिटी प्रांगण में सुबह सुबह बहुत स्वस्थ माहौल में और एक अच्छा संदेश देते हुए कि हर व्यक्ति को हर हाल में स्वस्थ रहना चाहिए और ये इतना बढ़िया काढ़ा अभी जैसा वैद्य जी ने बताया कि तकरीबन 70 औषधियों से निर्मित होकर के ये काढ़ा काफ़ी मशक्कत के बाद बनता है और ये बहुत अधिक समय तक शरीर में कारगर भी रहता है और लाभकारी भी रहता है। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सचिव, मैं वाकई में तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमें इस प्रोग्राम में शरीक किया। हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाने की ओर अग्रसर है। हम भी ये चाहते हैं कि समाज नशा मुक्त हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। जैसा वर्तमान में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बहुत अत्यधिक मात्रा में जारी है और ऐसी स्थिति में इतनी अच्छी सुखद सकारात्मक पहल करना, ये वाकई में बहुत ही अच्छी प्रेरणा है। और जैसा बताया कि प्रत्येक वर्ष ये शुभ कार्य करते हैं, ये वाकई में बहुत अनुकरणीय है और मैं इनको तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी संख्या में सैकड़ों की तादाद में लोगों को काढ़ा पिला करके स्वस्थ करने का जो प्रयास किया है वो अत्यधिक सराहनीय। आज महाविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती मनाई जा रही है। इसमें सभी विद्यार्थीगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगणों की सहभागिता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने कहा था कि दो बातों से आज़ादी मिलती है, शास्त्र और शस्त्र। तो नेताजी ने शस्त्र उठाने का कार्य किया और देश को एक करने का काम किया। ये कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता थे और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के द्वारा क्रांतिकारी नेता के रूप में युद्ध किया और अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की सहायता की। वीर कुमार की पुण्यतिथि पर बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन, स्वाभिमान ग्रुप द्वारा किया जा रहा है आयोजन, श्रद्धांजलि देने के लिए आए लोग। अजमेर के सर्वप्रिय नेता स्वर्गीय वीर कुमार के आज पुण्यतिथि पर स्वाभिमान ग्रुप द्वारा कई आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज तोपदड़ा स्थित बालाजी मंदिर पर सुंदरकांड की पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। स्वाभिमान ग्रुप पिछले 4 सालों से गुजरात से अजमेर वीर कुमार की पुण्यतिथि मनाने आ रहा है। स्वाभिमान ग्रुप इंडिया मेरे आज में वीर कुमार जी की पुण्यतिथि को पिछले 4 साल से लगातार मना रहा है। इन 2 दिनों के दौरान हमारे कई कार्यक्रम होते हैं। पुण्यतिथि के 1 दिन पहले दीपदान होता है, उसके बाद ऋषिघाट स्थित शमशान घरे में जो वीर कुमार जी की समाधि है वहाँ पे हमारी पूरी टीम जाती है। सब लोग मिलके वीर कुमार जी के रास्ते पे चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। जातिवाद हटाओ, राष्ट्रवाद अपनाओ, ये स्वाभिमान ग्रुप का मंत्र है जो हमें वीर कुमार जी से मिला है। हम कोशिश करते हैं कि वीर कुमार जी के रास्तों पर चलें और छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी तकलीफों को दूर करने में सहायक बने। आज इसी कड़ी में तोपदड़ा स्थित बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जहाँ सुंदरकांड के साथ ही वीर कुमार जी को श्रद्धांजलि दी गई। मैं विनोद चौहान। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस फोर्स ने रेलवे स्टेशन पर चलाया जांच अभियान, डॉग स्क्वाड की टीम भी रही साथ, संदिग्ध सामान की ली गई तलाशी।
गणतंत्र दिवस को देखते हुए आज जीआरपी और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान की शुरुआत करी, जिसमें डॉग स्क्वाड की टीम भी साथ रही। प्लेटफॉर्म पर खड़ी हर गाड़ी की भी जांच की गई, साथ ही कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखा तो उसकी तलाशी भी ली गई। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर रेलवे हेल्पलाइन नंबर 182 की पर्चे बांटे गए। 26 जनवरी को देखते हुए रेलवे स्टेशन पे हमारा विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसमें जीआरपी थाना अजमेर, आरपीएफ थाना अजमेर और डॉग स्क्वाड के साथ में प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पे जो लावारिस सामान वगैरह हैं उनको चेक किया, यात्रियों को सामान को भी चेक किया और सबको हिदायत दी कि भाई संदिग्ध वस्तु या कोई लावारिस बैग वगैरह हो तो हमें सूचना दें। विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए जीआरपी और आरपीएफ, हमारे आरपीएफ के स्वान दस्ता के साथ यात्रियों को जागरूक किया जाता है और अवांछित कोई सामान वगैरह मिलता है उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलवे परिसर में गंदगी न फैलाएं और आवश्यकता पड़ने पर 182 का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए उनको बताया जा रहा है कि आपका ट्रेन के अंदर हेल्प चाहिए तो 182 फोन करके इन ट्रेन आप सहायता ले सकते हैं। वो एक्चुअली रेलवे कर्मचारी था जो वो गेट के ऊपर बैठा हुआ था, उसे पूछा गया था, वो भी बाहर गए हैं, तो बाहर जाके उनको बुला के उनको सामान हैंडओवर कर रहा है। उसको सामान रखवा सकते हैं? नहीं, वैसे रखवा नहीं सकता, उसको समझाइश दी है कि इस प्रकार से सामान नहीं रखवाए। रेलवे के अंदर लगेज रूम बना हुआ है, लगेज रूम के अंदर सामान रखवाना सुनिश्चित करें ताकि पैसेंजर वहाँ पर रखे और अपना सामान सुरक्षित रखा सके। स्वर्गीय वीर कुमार की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर स्वाभिमान ग्रुप ने किया दीपदान। पिछले 4 सालों से गुजरात से वीर कुमार की पुण्यतिथि मनाने आते हैं अजमेर। अजमेर नगर परिषद के पूर्व सभापति स्वर्गीय वीर कुमार की आज पुण्यतिथि है। कल शाम पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर स्वाभिमान ग्रुप द्वारा तोपदड़ा में दीपदान किया गया। ये ग्रुप पिछले 4 सालों से वीर कुमार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने अजमेर आ रहा है। इस दीपदान में भाजपा जन भी शामिल हुए। किस तरह से दीपदान जला, क्या उद्देश्य? नगर परिषद के पूर्व सभापति स्वर्गीय वीर कुमार जी की आज 19वीं पुण्यतिथि है। स्वाभिमान ग्रुप पिछले 4 साल से हम सबके अजीज, अजमेर के बेटे, अजमेर के सपूत वीर कुमार जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। 2 दिन तक हमारे कार्यक्रम चलते हैं। आज पूर्व संध्या है 22 जनवरी, तो वीर कुमार सर्कल पर मेरी संस्था की जो टीम 15 सदस्यों की टीम गुजरात से आई, वो स्थानीय भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक, कॉरपोरेटर सब मिलके वीर कुमार जी को दीपदान करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। कल सुबह 8:30 बजे हमारी पूरी टीम ऋषि घाटी स्थित शमशान गृह जाएगी। जातिवाद हटाओ, राष्ट्रवाद अपनाओ, ये नारा स्वाभिमान ग्रुप का है, जो हमें वीर कुमार जी से ये मंत्र मिला है कि सब दुखी लोगों की, कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनो। स्वाभिमान ग्रुप गुजरात और राजस्थान में इस तरह दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनके काम कर रहा। ऋषि घाटी स्थित शमशान गृह में वीर कुमार जी को श्रद्धांजलि देने के बाद कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, तो 9:30 बजे हमारी टीम सुभाष उद्यान जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में हम नमन करेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और जय हिंद का नारा लगाएंगे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारी टीम वहाँ से 10 बजे यहाँ पे बालाजी मंदिर पे तोपदड़ा पे कार्यक्रम है हमारा दीपदान का, ये सुंदरकांड का, तो ये 4 साल से सुंदरकांड का पाठ भी हम कर रहे हैं। यहाँ स्थानीय जनता हमको पूरा सहयोग करती है और इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम पूर्ण होंगे। आपका नाम? मेरा नाम विनोद चौहान, अध्यक्ष स्वाभिमान ग्रुप। आर्यवीर दल के राष्ट्रीय संचालक सत्यवीर आर्य पहुंचे अजमेर। आर्यवीर दल पूरे देश में युवाओं के चरित्र निर्माण हेतु करता है कार्य। आर्यवीर दल अजमेर के जिला संचालक डॉक्टर विश्वास पारिक, राज्य प्रचार मंत्री यतेंद्र शास्त्री, संभाग संचालक सुनील जोशी सहित अनेक आर्यवीर उनके स्वागत हेतु अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंचे और राष्ट्रीय संचालक का भव्य स्वागत कर अजमेर जिले की नई गठित कार्यकारिणी से उन्हें अवगत करवाया। भविष्य में और उन्हें अच्छे कार्य संगठन द्वारा किए जाए, समाज में युवाओं में एक से एक सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए, इन विषयों पर संगठन के पदाधिकारियों ने उनसे गंभीर चर्चा की। सत्यवीर आर्य ने बताया कि आर्यवीर दल पूरे देश में बहुत उत्साह और जोश के साथ कार्य कर रहा है। यह संगठन संस्कृति, रक्षा, शक्ति संचय और सेवा कार्य के लिए सदैव तत्पर रहेगा। आर्यवीर दल आर्य समाज का युवा संगठन है और नवयुवकों में चरित्र निर्माण का काम करता है और हमारा संस्कृति की रक्षा करना, शक्ति का संचय करना और सेवा करना, ये 3 उद्देश्य आर्यवीर दल के हैं, उनको लेकर के आर्यवीर पूरे देश में काम कर रहे हैं। आपका नाम?
मेरा नाम सत्यवीर आर्य है और यहाँ अजमेर में भी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग इकाई है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से काम हो रहा है और हमारे यतेंद्र शास्त्री संभाग संचालक हैं और श्री डॉक्टर विश्वास पारिक यहाँ के जिला संचालक हैं और इनके नेतृत्व में अजमेर में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आज हमारे आर्यवीर दल के राष्ट्रीय संचालक सार्देशिक आर्यवीर दल के श्री सत्यवीर आर्य जी यहाँ पधारे, उनका हमने यहाँ पर भव्य स्वागत किया और हमारा आर्यवीर दल जिस प्रकार से देश के लिए कार्य कर रहा है, समाज में युवाओं में चरित्र निर्माण के लिए कार्य कर रहा है, हमारा उद्देश्य संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय और सेवा कार्य है। तो हम पूरे साल भर लगभग 20-25 प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं, युवाओं में चरित्र का निर्माण हो, युवा जो आज गलत दिशा में नहीं जा करके किस प्रकार से हमारी संस्कृति से हम उनको जोड़ सकें, अच्छी उनको एक दिनचर्या दे सकें, इसके रूप में हम कार्य करते हैं और शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए हम उनसे कार्य करवाते हैं और हम स्वयं भी इसी में योग आसन सूर्य नमस्कार प्राणायाम आदि के द्वारा यज्ञ के द्वारा आज हमारे देश सार्देशिक आर्यवीर दल के राष्ट्रीय संचालक श्री सत्यवीर आर्य जी यहाँ पधारे अजमेर पर, उनका हमने यहाँ स्वागत किया हमारी पूरी टीम ने। हमारी यहाँ पर आर्यवीर दल और आर्य वीरांगना दल की दोनों की शाखाएं यहाँ पर चलती है जो देश और समाज के निर्माण में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ऋषि घाटे से शमशान ग्रह पर वीर कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचा स्वाभिमान गुरु, फूलमाला चढ़ाकर किया याद। अजमेर के वो नेता जिसे हर कोई याद करता है, आज नगर परिषद के पूर्व सभापति स्वर्गीय वीर कुमार की 19वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज गुजरात से पिछले 4 साल से आरा स्वाभिमान ग्रुप के सदस्य तोपदड़ा निवासियों के साथ शमशान गृह पर वीर कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया। गुजरात से आए 15 कार्यकर्ताओं की टीम और तोपदड़ा के स्थानीय सभी वीर कुमार जी के समर्थक आज ऋषि घाट स्थित शमशान गृह पर उनकी पुण्यतिथि पर वीर कुमार जी को नमन करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम सभी ने शेर अजमेर वीर कुमार जी को आज श्रद्धांजलि दी और स्वाभिमान ग्रुप ने हमेशा एक नारा दिया है, ये नारा वीर कुमार जी ने हमको दिया था, जातिवाद हटाओ राष्ट्रवाद अपनाओ। उन्हीं के नक्शे कदम पर स्वाभिमान ग्रुप काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। वीर कुमार जी की यादें हर अजमेरवासी के जहन में आज फिर से ताज़ा हो रही है। 4 साल से ये काम हम लगातार करते आए हैं, वीर कुमार जी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया। मुझे आज इस चीज़ का काफ़ी आनंद है कि अजमेर में कम से कम 3 जगह वीर कुमार जी के नाम से कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जो दीपक हमने जलाया था 4 साल पहले, वो दीपक अब दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर रहा है। हमारे लिए ये बहुत आनंद की बात है। हम चाहते हैं कि शहर का बच्चा वीर कुमार जी को फिर उसी तरह से याद करे और उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रण करें। मैं विनोद चौहान। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com। सच के साथ।